लेकिन नटनी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे दरबार में जी महाराज, और ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी ने अपना अपना प्रदर्शन किया, लेकिन खुदा कसम मुझे तो किसी का प्रदर्शन पसंद नहीं आया। जो तुमने लटके झटके खटके दिए, खुदा कसम तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। जी महाराज, कबाड़ी कबाड़ी कोई देखता है? कबाड़ी कबाड़ी को देखता है? हाँ, मतलब कबाड़ी के लिए कबाड़ा ही जरूरत है उसको। ना ना, इतना कबाड़ा थोड़ी है। अब तुम अपने हिसाब से ही देख रहे हो किसका डांस बढ़िया लगा है, नहीं तो इनको तो इसका लगा है। बस सलामत, वाकई मेरा भी दिल खुश कर दिया। तुझे तो मार देगी ये तो मार देगी, लेकिन तू और कती मार देगी। जब तो तुझे हल्की सी दी है। जी महाराज, लेकिन अपनी तूने हमारे दिल को खुश कर दिया, तुमने हमारा मन मोह लिया, लेकिन आज तुम्हारे इस प्रदर्शन पर खुश होकर के बादशाह सलामत के दरबार से तुम्हें, तुम्हारे इस प्रदर्शन को देखते हुए तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आपने हमारे नाचने और गाने की तारीफ कर दी, हमारे लिए वो ही काफी है महाराज। नहीं, मैंने पहले कहा था कि जो बढ़िया नाचेगी बढ़िया गाएगी उसे बादशाह के दरबार से इनाम दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आपने हमारी तारीफ कर दी, हमारे लिए यही काफी है। नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे तो नटनी इतनी बड़ी भी मत बने, चली जाए यहाँ से। नहीं, इतनी बड़ी भी ना बने, नाचने गाने का मांगने खाने का काम है जो करिए। राजा ने इतनी तारीफ कर दी, इतना बतेरा। हेलो महाराज, अरे देखने देखने तो हम नाचने गाने का काम करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पे करते हैं। अरे देखने देखने तो काम नहीं चले, जब तक पेट में ना जाए जब तक पेट ना भरे। अच्छा, हाँ, तुम्हारे इस ना मांगने से, तुम्हारे इस ना मांगने से बादशाह सलामत के दरबार की तौहीन होती है नटनी, इसलिए तुम जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन एक बार मांगो तो सही। हे महाराज, अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आपके दरबार की तौहीन होती है, हाँ, तो मुझे धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो झोली फैला कर इंसाफ मांगती हूँ महाराज, मेरा इंसाफ करो। इंसाफ जी, बादशाह सलामत के, बादशाह सलामत के राज में क्या कोई नाइंसाफी भी हुई है? जी महाराज। नहीं, तुम गलत कह रही हो। मैं सही कह रही हूँ महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। ए? उस चोर ने मेरे घर पे चोरी की है, और जो मेरे पास माल था पैसे थे वो सब लूट के ले आया। मेरे दरबार में तुम्हारा चोर जी तुम्हारे घर में घुसे जी, तुम्हारे पैसे माल चुरा करके लाया जी महाराज। नटनी, ऐसा तो ना हो कि कहीं दिमाग से पैदल हो तू। नहीं महाराज, मैं कभी धोखा नहीं खा सकती, और ना ही मेरी आंखें कभी धोखा खा सकती। होश आवास में तो है। आपके दरबार में वो चोर बैठा भी हुआ है। मेरे दरबार में वो चोर फिलहाल मौजूद भी है। हाँ, मैं उसको पहचानती हूँ महाराज। दूध का दूध और पानी का पानी, राजा के दरबार से हे नटनी जाओ, ये राजा की जवान है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पहले वचन भरो महाराज। क्या तुम्हें राजा पर विश्वास नहीं है? आप पर विश्वास है, लेकिन वचन भरो। जाओ, कि तुम्हारे चोर को चोर साबित कर दिया तो आप उसे फांसी की सजा सुनाओगे। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। सबूत मैं दूंगी आपको। हाँ, अगर आपने सबूत दिया और चोर वाकई चोर हुआ, हाँ, जो तुम कहोगी उस चोर को वो सजा मिलेगी। जाओ, एक दो तीन, तुम्हारे तीन वचन कबूल करता हूँ। उस चोर को मेरे सामने, तो मेरी बात सुनिए महाराज, पेश तो करिए कि बादशाह सलामत के दरबार में भी चोर, इसे दरबार में भी चोर बैठे हैं जी। वैसे नटनी, ये चोरों की सभा नहीं है। ये सभा तो चोरों की नहीं है, लेकिन एक इंसान इतना गंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, जो चोरी भी करता है और गंदी नजर का भी इंसान है। चोरी भी करे, चोरी भी करे और नजर भी गंदी है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, आज ससुरे की आंखें ने फोड़ेंगे। सुनिए मेरी बात महाराज। सुना अपनी बात। ओ मुझे लूट लिया सारे आम सामने मेरा, जो सामने बैठा हुआ है, चोर पकड़े के मुझे लूट लिया सरे आ।
चाहते वचन भरा के अच्छा मौका पाया था। अचंबा सा हो गया जाके शेर खा उठाया था। अचंबा सा हो गया जाके शेर खा उठाया था। नटनी का आज मौका लगा, सभा कहे थी जोर से, वो मानस न छुपे छुपाए जिसकी सत पे डोर से। थारे शामी खड़िया बादशाह यो ही मेरा चोर से। थारे शामी खड़िया बादशाह यो ही मेरा चोर से। हो लिया कान पकड़ के ठा, शेर खान तुम्हारा चोर है। ये मेरा चोर है। शायद तुम होश आवास में हो। बिल्कुल होश में हूँ। झूठ तो नहीं बोल रही हो? बिल्कुल सच बोल रही हूँ महाराज, यही मेरे अंदर खूबी है कि मैं झूठ नहीं बोलती। शेर खान चोर नहीं हो सकता। ये चोर है। अरे ये मेरा सिपे सालार है। चाहे ये कुछ भी हो लेकिन ये चोर है। ये मेरा बहुत प्यारा सिपे सालार है। बस सलामत। चाहे ये कितना भी प्यारा क्यों ना हो लेकिन ये मेरा चोर है, इसने मेरी चोरी की है महाराज। तो ही सिपे सालार थे, एक तो जो कि शुरू में पकड़ा गया, ये थोड़ा वफादार है और इससे तो मेरा वैसा भी रिश्ता है। वफादार? हाँ। शिकल तो लग नहीं रही इसकी वफादार जैसी। नहीं बहुत वफादार। ये एक नंबर का लुच्चा बेईमान गुंडा है ये। लेकिन तुमने इसे चोर ठहरा दिया तो क्या मैं इसे दो बात कर लूं? नहीं, पहले मेरी बात सुनो। इसने चोरी क्या की है, क्या चुरा के लेके आया है? एक मिनट का मौका चाहिए, एक मिनट का। करिए। बादशाह सलामत। शेर खान सुनो, मैं अरे मेरी बात सुन। हमने पृथ्वी सिंह के फांसी की खुशी में नाचना गाना कराया, तरह तरह की नटनी आई। हाँ। इसने थोड़ा सा अच्छा काम किया तो इस पे दिल ने सोचा कि थोड़ा सा इनाम दिया जाए। तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया इस पे? अरे डट जा बेवकूफ, सोचा कि दिल ने कि इसको थोड़ा इनाम दिया जाए। हाँ। लेकिन इसने तो सारे केस को उल्टा पलट दिया। बस सलामत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सर्दी ये में। आपको चोर ठहराती है। एक मिनट, पहले मेरी भी सुनोगे? हाँ। क्या इसी के कहने से तुमने मुझे चोर साबित कर दिया? मैंने नहीं किया, ये चोर साबित कर। आपके दरबार में आपके मंत्री के ऊपर एक नटनी के कहने से आप मुझे चोर साबित करते हो, जिसकी 2 करोड़ की औकात हो और वो आपके मंत्री के ऊपर आपके भरे दरबार में, और ये कहे कि ये मेरा चोर है, इसकी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले। आए! राजा जब अपनी कचहरी के दरबार पर बैठा होता है तो ना कोई मंत्री होता है ना कोई प्रजा होती है। राजा का काम है कि न्यायकारी राजा हो, न्याय करे, दूध का दूध और पानी का पानी। और तू क्या मुझे औकात दिखाएगा चुन चोकते? नकली जी महाराज, बताइए तुम्हारा क्या क्या चोरी किया? सुने सुनिए मेरी बात, सुनाइए अपनी बात। एक मिनट, इसे ही बोलने का मौका है मुझे? नहीं, पहले इसका मौका है, फिर तेरा तुझे भी दिया जाएगा मौका। अच्छा, दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा, तुझे मौका मिलेगा। ठीक है, पहले बसते बहुत अमीर है।
चोरी करता फिरे दुष्ट तू बादशाह का बनिया वजीर रुपए पान सो लाया था और एक सोने की थी जंजीर रुपए पान सो लाया था और एक सोने की थी जंजीर रुपए पान सो लाया था 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है महाराज इसने 500 रुपए सोने की जंजीर जी महाराज अरे बादशाह ने कही शेर था बादशाह ने कही शेर खा खड़े हो तुम क्यों चुपचाप नटनी की चोरी का शेर खा देना होगा सब इंसाफ सभी के उजागर हो जा छुपे ना छुपाए पाप सभी के उजागर हो जा छुपे ना छुपाए राज हो तेरे अब ना जाने बेचारा कछी हो तेरे मुंह पे लगी क्यों लगाम रे ओ लगाम रे पे लगी क्यों लगाम गुलाम तने शरारे शराबे चोरी का शेर खा देना होगा सब इंसाफ और सभी के उजागर हो जा छुपे ना छुपाए पाप अरे तेरे मुंह पे लगी क्यों लगाम गुलाम तने शर्म नहीं आई अब मुझे मौका है बोलने का ये नटनी भरी सभा में कह रही है कि 500 रुपए सोने की जंजीर ला और वो भी शेर खान तू मुझे मुझे भरोसा नहीं था कि तू ऐसा ओछा काम भी कर सकता है बादशाह सलामत हाँ मुझे हंसी आ रही है किस बात के लिए मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है हंसी क्यों आती है हंसी इस बात पर आती है कि तुम भी इस नटनी की बातों में आ गए अच्छा। और गुस्सा इस बात पर आता है एक नटनी होकर के हमारे भरे दरबार में और हमसे ये कहे कि मैंने इसके 500 रुपए नहीं देखे मैंने इसके सोने की जंजीर कभी नहीं देखी बादशाह सलामत दोनों वक्त है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ अच्छा और मेरी 3 बीबियां हैं तीन बीबियां अच्छा 3 बहू हैं हाँ 21 बच्चे हैं 3 बेगम हैं 21 बच्चे हैं हाँ कैसे दिन रात यही काम है का? और याद कर ले ढंग से अल्लाह की देन है ये तो कोई बड़ी बात ना है 7 की एवरेज उठा रहे हैं मेरी बात सुन सुना तूने कहा था कि तुम भी इस नटनी की बातों में आ गए पहले मेरी मैं नटनी की बातों में नहीं आया अच्छा नटनी ने कह दिया कि तू चोर है और 500 रुपए सोने की जंजीर लाया कह दिया क्या तुमने फिर मान लिया मैंने नटनी की बात का विश्वास कर लिया ठीक तो मैं कुछ नहीं लेकिन तुम इस बात को कहना चाहते हो कि मैं चोर नहीं हूं बिल्कुल नहीं मैंने आज से पहले जिस तरह नटनी ने मेरा पेटा भरा है तुमको चोर ठहराया है तुम भी कोई अपना सबूत सामने रख दोगी बादशाह सलामत के दरबार में कि मैं चोर नहीं बादशाह सलामत सच्चाई तो यह है हाँ। आज से पहले एक फैसला फैसला का तीन नतीजे पे भाई हाँ नतीजे पे बात चल रही है आज से पहले हाँ। मैंने कभी इस नटनी की हाँ। इस नाचने वाली की अच्छा कभी भी ये शक्ल सुंदर देखी नहीं देख कितनी भोली बनती है अच्छा कभी देखा भी नहीं कभी देखा ही नहीं क्या कहना चाहते हो मैं कहना चाहता हूँ क्या सफाई देना चाहते हो देना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो सुनिए सुनाइए
राजपूत वाले घर में ईमान है। मुँह मक्के की तरफ करूं मैं, मुँह मक्के की तरफ करूं और हाथ पे धरो कुरान। अब से पहले इस नटनी की देखी नहीं जग में शान। अब से पहले इस नटनी की देखी नहीं जग में शान। सजने बिल्कुल शेर खाने बिल्कुल बात कांटे की कही, और ये सच्चाई भी थी कि वाकई शेर खान ने आज से पहले नटनी को नहीं देखा था। तो बादशाह सलामत, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। अब भलाई इसी में है तुम्हारी भी और मेरी भी, भलाई इसी में है इस नाचने वाली को इस दरबार से धक्के दे करके निकलवा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वागत के साथ महाराज, सम्मान के साथ। ऐसी ऐसी नाचने वाली का क्या स्वागत क्या सम्मान? तुम कह रहे हो कि आज से पहले इसकी कोई शान शकल नहीं, मैंने कभी इसकी शान शौकत नहीं देखी। नटनी जी महाराज, तू कहती है कि ये शेर खान चोर है, शेर खान ने तुम्हारी आज से पहले कोई शान शकल भी नहीं देखी। तुमने तुमने कैसे कह दिया कि बादशाह के दरबार में कि ये शेर खान पठान? ये झूठ बोल रहा है। 500 रुपए सोने की जंजीर लाया, झूठ बोल रहा है महाराज। ये झूठ बोल रही है, बुंडी शिकल के। ओ कोमल कली, ये क्या है शेर खान, ये क्या क्या नालायकी है? महाराज कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। ये पता चलता है कि कितना छिनट्टा इंसान है। अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। नहीं, तेरी शरारत से लगता है कि दाल में काला है। रे महाराज, ये कहता है कि इसने आज से पहले मुझे शकल सूरत नहीं देखी इसने मेरी। आज देखी, आज तो देख लेंगे। और रुक जा, तेरी आंख फोड़ूंगी आज। दिखाएंगे, खूब दिखाएंगे, अभी उजारों करेंगे जब दिखाएंगे। मैं आप देख लूंगा। क्या कहना चाहती हो नटनी? इसने आज से पहले मेरी शक्ल नहीं देखी, मेरी सूरत नहीं देखी, कभी देखा ही नहीं। अगर इसने मुझे नहीं देखा तो महाराज मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा। गौर फरमाता हूँ, दोनों तरफ की सुनिए, बीच में फंस गया हूँ। अब मेरी बात सुनना, हाँ। तुम भी सुनना और अपने दरबार वालों को भी सुनाना। सुनो सारे दरबारी, कान खोल के सुनो, सभी अपने अपने कानों के ढक्कन खोल लो। महाराज मुझे जाने की, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुन, मेरी देखो। अरे पकड़ो, तू भागेगा? नहीं नहीं, तू भागेगा? नहीं, भागने वाला नहीं। नहीं भागिए, भागने वाला नहीं हूँ मासा सलामत। मेरी बात सुनो महाराज, मेरी 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 बेगम का फोन आया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ कैसे? जो करिए कि मुझे बच्चा होने वाला है। हाँ तो तू ही निकालेगा बच्चे, तो बैंक तो बुलाना पड़ेगा ना। इधर आ पहले। अभी तो तू यूँ कह रहा था कि मेरी तीन बेगम है। हाँ 21 बच्चे हैं। हाँ तो फिर बच्चा होने वाला है? होने वाला है 22। वो औरत है या बकरी? हर 6 महीने तीन है, तीन है, अल्लाह अल्लाह की देन है। इधर आ पहले, आओ। हाँ इधर आ। लेकिन बादशाह सलामत कुछ कहना चाहते हैं? ये कहता है कि इसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा। गौर फरमाते सारे दरबारी, गौर फरमाइएगा। कहिए अपनी बात। किरणमयी ने बात पकड़ ली हो, झूठी थी बाकी से की नहीं। न्यू बुझो, क्या बुझो? न्यू बुझो महाराज, इसे जो नजरगात पेटे की नहीं। कैसे धर्म, कैसे धर्म, कैसे धर्म टिकाया था जब मैं पापी ने देखी नहीं। कैसे धर्म टिकाया था जब मैं पापी ने देखी नहीं। हाँ ये धर्म की बात, पूछो इसे कैसे इसने धर्म निकाया था जब इसने मैं नहीं देखी। अरे राजा के दरबार में नटनी के बीच में, शेर खान के बीच में धर्म कहाँ से आ गया? मैं कोई नटनी वटनी नहीं हूँ महाराज। महाराज मेरा नमाज पढ़ने का समय हो गया है। टिक जा, नमाज पहले अपनी बुआ का नाम तो सुन ले, कौन है ये? तो बुआ मार के ही छोड़ेगी। तुम नटनी नहीं? मैं कोई नटनी वटनी नहीं हूँ, मैं कोई नाचने गाने वाली नहीं हूँ। ए औरत, अपना परिचय दीजिए राजा के दरबार। मेरा नाम पूछना चाहते हो? आखिरकार क्या तुम्हारा नाम है? महाराज, ओ महाराज, फिर फोन आया, जो कोई दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। अल्लाह, जाना पड़ेगा। सुन मेरी बात, जाना पड़ेगा। अरे नाम तो सुनता जा, नाम तो सुन ले। हो मेरा किरणमयी
से नाम हराम का ना मैं पति वरे धोखा मुझे लूट लिया सरे महाराज। चलो और अब 2 मिनट रुको। कौन सा काम है तुम्हारा? शेर खान जी। अरे, अरे मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तू मुझे जानता है या नहीं। अरे जरा मुझे तो... एक मिनट महाराज, एक मिनट मुझे तो बताइए जी महाराज, तुम्हारा नाम किरणमयी है जी? किरणमयी कौन सी किरणमयी हो तुम? मैं ही हूँ किरणमयी। कौन सा तुम्हारा काम है महाराज? अरे डट जा, तुम्हारे क्या किरणमयी तुम वही हो कि गढ़बूंदी के रहने वाले छत्री राजपूत पृथ्वी सिंह की किरणमयी? हाँ मैं वही किरणमयी हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए साथियों, एक बार जोरदार ताली, ताली बजवा ले। गढ़बूंदी के रहने वाले मेरे सिपह सालार छत्री राजपूत पृथ्वी सिंह की घरवाली किरणमयी? हाँ, पृथ्वी सिंह की पतिव्रता स्त्री मैं ही किरणमयी हूँ। तुमने ये भेष क्यों बनाया? अभी बताऊंगी महाराज, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। शेर खान ठंड लग रही है ये। ओ शेर खान, आज तेरी ठंड उतारूंगी महाराज, इंतजाम करता है। शेर खान बेटा, ये कोई नटनी वटनी नहीं है महाराज, मुझे ठीक जब काज बालक कर जाएगा। अरे बालक है तो प्रकाश सरपंच निकाल देगा अपने आप महाराज। हाँ, एक ही लात देख, मैं बहुत प्यार करूँ अपनी बीवी। एक देखो पीछे तो लात बालक आगे गिरेगा। महाराज मैं इससे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। ये तेरी बुआ किरणमयी है। रुक जा। इधर आओ शेर खान। तुम कहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। वास्तव में नहीं जानता। नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। नहीं पहचानता। नहीं पहचानते। कितनी बार कहूँ? तो कहने की जरूरत नहीं है शेर खान। हाँ। और चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। जब तू मुझे नहीं जानता, नहीं पहचानता, आज से पहले तूने मुझे कहीं नहीं देखा, तो ये बता बादशाह सलामत के दरबार में ये तूने कैसे कह दिया कि पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी उसकी बाईजांग पे तूने दिल का निशान देखा? महाराज मेरे पेट में दर्द बन रहा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मेरे पेट में दर्द है। हाँ, तो वायु का गोला बन रहा होगा तेरे। पखाने जाता, पखाने जाके आता हूँ अभी। हाँ, आ जाते पखाने ही बना रहा क्यों बनाया। और मोश लगे बालक अभी हो कि बनाव से बन रहा। बालक तेरे होगा या तेरी बेगम के होगा? ऐसे ही लगे। कैसे उल्टो काम है रहोगा? जाए कभी जभी। शेर खान जी, ये पृथ्वी सिंह की घरवाली किरणमयी है और तुमने राजा के दरबार में सबूत दिए कि ये मटकार कटार और किरणमयी की भाई जान पर तिल का निशान। तुमने एक पतिव्रता के धर्म को टिकाने का काम किया महाराज। और तुम बार बार, तुम बार बार कहते हो कि तुमने इसे कभी देखा नहीं। मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि कहां से पटकार कटा रहे तुमने, कैसे किरणमयी को, कैसे तुमने किरणमयी को भरे दरबार में ये साबित कर दिया कि किरणमयी पतिव्रता नहीं। हे महाराज, हाँ। सर्दी लग रही है। सच बताइए, सच बताइए या फिर इसे फांसी लगा दो महाराज, इसकी सर्दी जमी जाएगी। ओ देवी मैया, तेरे हाथ जो रूल लंबा ढोक दो। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, और नहीं तो मैं फैसला सुनाता हूँ। एक मिनट। हाँ। इसमें महाराज अकेला मैं ही दोषी नहीं हूँ। इसमें अकेला मैं ही दोषी नहीं हूँ। मुझे ये बताओ कि जब तुमने किरणमयी के महल नहीं देखे, किरणमयी को नहीं देखा, हाँ, तो वो पटकार कटार और दिल का निशान कैसे पता लगा तुम महाराज? रहम रहम, किस बात का? एक बात सुनो, इस बात का अकेला मैं ही दोषी नहीं हूँ, मेरे साथ साथ में घूंघट करके दूती बैठी है जो भी इतने ही पाप की भागी है। अब तो पकड़। मुझे ये बताइए कि पटकार कटार और तिल का निशान, पटका कटार कौन लाया? यो लाई। तिल का निशान किसने देखा? इसने देखा। कौन है ये दूती? सलाम महाराज।
मैं हूँ दूती। तुम हो दूती? हाँ, लेकिन महाराज मरवा दी ना खुद तो मरा ही मरा। जब तक सोने के वो झाले पे रही पहले लटकन। दूती ये बताइए जी महाराज, शेर खान की बातों में आकर के किरणमयी के महलों से क्या पटकार कटार तुम ही लेकर के आई? जी महाराज, मैं लेकर आई थी। बाईं जांघ पर तिल का निशान मैंने ही देखा था। आखिरकार क्यों? क्योंकि इस शेर खान ने मुझे बहुत सारा लालच दिया था और मेरे सोने के बाड़े बनवाए तब तक नहीं बनवाए महाराज। महाराज, इस शेर खान ने लालच दिया और तुमने लालच में ये काम किया? जी महाराज। ये राजा बादशाह सलामत की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दूती को महाराज रहम रहम सजा सुनाई जाती है। रहम महाराज, इस दूती को कठुमर के चौक में ले जाओ और आधी सी गढ़वा के चाशनी घेर के काली काली कुतिया छुड़वा दो। नहीं महाराज, महाराज कुतिया छुड़वाने की जरूरत नहीं है, इनके बीच में छोड़ दो, अपने आप ले जाएंगे। नहीं महाराज, रहम करिए, क्योंकि आप बादशाह सलामत की एक सच्चे बादशाह। बादशाह सलामत के दरबार से आज ये सवाल इस नतीजे पर पहुँचिए जी, और फैसला दिया जाता है कि आज आज दूती इनके हवाले रहेगी। छोड़ दो इनके हवाले। नहीं महाराज, और बादशाह सलामत का फैसला है पृथ्वी सिंह को परी किया जाता है और शेर खान को सजा। पृथ्वी सिंह को परी किया जाता है और शेर खान को सजाए फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। एक बार जोरदार तालियां पर रागनी को निचोड़ सुनो, निचोड़ एक कली और रह रही है रागनी की। इजलास में बिना मौत मारा जाऊं अब कसर रही ना नास में, गलती कर दे माफ रहूंगा जिंदगी दावेदार में, फिर गलती कर दे माफ रहूंगा जिंदगी भरदास में, गलती कर दे माफ रहूंगा जिंदगी भर दावेदार में, जिंदगी दास। हाँ, अगर माफ कर सकती है तो गलती कर दे माफ रहूंगा जिंदगी भर तेरा दास में, गलती कर दे माफ रहूंगा जिंदगी भर तेरा दास में, हर चरणों के शेर खान। जी महाराज, अगर आज तुझे बचा सकती है तो सिर्फ किरणमयी बचा सकती है। राजा के दरबार से कोई माफीनामा नहीं है तेरा, अगर ये माफ कर दे तो देख लेना तो राजा के दरबार से हुक्म है कि तुझे फांसी लगेगी। अच्छा, चलो कोशिश करेंगे। चरणों के मलेट गया शेर खान होके भयभीत, जे जे के नारे बुल गए वह पतवरता की होगी जीत, कहे जय करण कर्ण पति बचाया सतवन तान गा के गीत, कहे कर्ण पति बचाया सतवन तान गा के गीत, सुखते दशरे शेर और गा सुखते दशरे शेर